दोस्तों, हमने पिछले वीडियो के अंदर वैक्यूम कर लिया था और आज हम इसमें गैस चार्जिंग करने वाले हैं। तो गैस चार्जिंग करने के लिए हमको इस निप्पल को हटाना है। ये जो चार्जिंग लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसको वैक्यूम पंप से अलग कर लेना है। और मीटर माइनस की ओर आपको सुई दिखाई दे रही होगी। और हम लेते हैं 134 का कैन, यानी 134 इसमें गैस डलेगी। ये LG का 42 कंप्रेसर है। तो गैस चार्जिंग हम आज करने वाले हैं। तो पहले इसमें R600 था, तो हमने अच्छे से सफाई करके कंप्रेसर लगाया है और अब हम इसमें 134 डालने वाले हैं। तो 134 डालने के लिए मैंने कैन है वो करेक्ट कर लिया है। वाल मैं खोल रहा हूँ, वाल खुल चुका है और अभी मीटर है वो बंद है। तो पहले हमको वाल को अच्छे से खोल लेना है। पूरा वाल खुल चुका है और अब हमको क्या करना है, पहले इसका एयर निकालना है। और अब हम वैक्यूम तोड़ते हैं, तो वैक्यूम टूट चुका है। एक दो लाइन हमको छोड़ देना है, तो मैंने दो लाइन छोड़ दिया है। और अब चलाते हैं इस फ्रिज को, फ्रिज में जो कंप्रेसर लगा है उसे। तो अभी जैसे ही मैं इस प्लग को लगाऊंगा, सुई नीचे की ओर आना शुरू हो जाएगी। तो मैं प्लग को लगा लेता हूँ और ऑन करता हूँ स्विच को। स्विच को ऑन करते ही सुई है वो नीचे की ओर आ रही है। ये देखिए, सुई नीचे की ओर आ रहा है। जैसे जीरो के पास आती है, फिर से एक लाइन छोड़ देना है। एक साथ हमको गैस नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे गैस को छोड़ना है। तो देखिए, गैस है वो जा रहा है। अगर गैस चौक की प्रॉब्लम होगी, गैस चौक हो रही है, तो ये मीटर का जो सुई है ये माइनस की ओर आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, अभी सुई जीरो से नीचे नहीं आ रही है, यानी इसमें जो गैस चल रही है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रही है। चॉकिंग की प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो फिर हम एक लाइन और छोड़ते हैं। हमको क्या करना है, जो बैक प्रेशर है वो 10 से 12 रखना है। 134 का 134 गैस होता है। देखिए, कंडेंसर है वो धीरे धीरे आ रहा है। 134 जो गैस होती है उसका बैक प्रेशर 10 से 12 ही होता है। फिल्टर भी हल्का हल्का गर्म होने लग गया, कैपिलरी भी गर्म होने लग गई है। तो दोस्तों, हम फिर से एक लाइन और छोड़ते हैं। अब इसमें गैस है वो ज़्यादा है, तो हम थोड़ा इसे निकालेंगे भी। तो पहले एक बार एक लाइन छोड़ लेते हैं। तो वाल को करते हैं बंद, जो इस लाइन में गैस है वही हम डालेंगे, ताकि हमारी जो गैस है वेस्टेज ना जाए। तो हम पहले ही कैन के वाल को बंद कर लेते हैं। इस कैप को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और अब छोड़ते हैं। जो पाइप के अंदर गैस थी वो पूरी डाल देते हैं हम। तो देखिए, गैस का बैक प्रेशर 10 आ रहा है, छोटे छोटे अक्षरों में दिखाई दे रहा होगा 10। बैक प्रेशर बिल्कुल सही है, कूलिंग आ चुकी है। और अब चलते हैं फ्रीजर की, फ्रिज के अंदर की आपको मैं दिखाता हूँ। तो देखिए, ये फ्रीजर है। तो फ्रीजर है वो ठंडा हुआ कि नहीं, तो दोस्तों यहाँ पर फ्रीजर है बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो हम लेता है कटोरी, कटोरी के अंदर थोड़ा पानी लेते हैं और टेस्ट करते हैं इसे। तो पानी को पहले हल्का सा गिरा देना है, और गिराने के बाद क्या करना है, इसको यहीं पर रख देना है और 10 मिनट तक हमको फ्रिज को बंद रखना है, यानी इसका जो गेट है वो बंद रखना है। फिर देखते हैं कि इसमें बर्फ़ है वो जमता है या नहीं। तो मैं गेट है वो बंद कर देता हूँ और अब देखता हूँ कि 10 मिनट करीब हो चुका है और बैक प्रेशर बिल्कुल सही है, गैस चौकिंग नहीं है, कंडेंसर बिल्कुल आ रहा है, यानी प्रॉपर तरीके से गैस घूम रहा है। अब देखते हैं कि मैं 10 मिनट में, देखिए 10 मिनट के अंदर यह बर्फ़ जम चुका है। तो दोस्तों, इस तरह से कंप्रेसर लगाते हैं। दोस्तों, अगर आप कंप्रेसर फ्रिज रिपेयर करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे की भी ऐसी वीडियो आती रहेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक